सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे चैनल पे फिश साइन के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस हैं, पर फिर भी हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि हमारे हाथ में जो फिश का साइन है इसकी शेप अलग है या फिर ये पर्टिकुलर अलग जगह पर बना हुआ है, तो इन सब का मतलब क्या है, क्या ये फिश के साइन हमको फ़ायदा दे पाएंगे या नहीं। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्ट शेप कौन सी होनी चाहिए फिश साइन की जिससे आपको फायदा हो, या ये अलग जगह पे बन रहा है मतलब किसी अलग पर्टिकुलर पर्वत पे, तो उसका क्या मतलब होगा। दिखाएंगे आपको हाथ की कुछ फोटोज जिसमें फिश का साइन अलग अलग तरीके से बना हुआ है, जिससे कि आपको जानने में आसानी होगी। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखना है। और इसी के साथ अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप हमें दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए और जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको रिप्लाई मिलने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि हमें बहुत सारे DMs आते हैं डेली, पर रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो के कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है तो इन चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो आइए दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं फिश साइन की एग्जैक्ट शेप कैसी होती है और पर्टिकुलर जगह पे बनने से आपके हाथ में ये किस प्रकार आपके जीवन में प्रभाव डालता है। आइए पहले तो जानते हैं शेप के बारे में। जो आपकी लाइफ लाइन होती है दोस्तों, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं, और जहाँ पर ये जाके एंड होती है वो होता है आपका केतु का पर्वत। अब यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है दोस्तों, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो कुछ इस प्रकार, और दोनों हिस्से नीचे जाके मिल जाएं, और यहाँ पर आपके हाथ में क्रिएट होता है फिश का साइन। पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि इस हाथ में बन रहा है ये माननीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों दोष मुक्त फिश का साइन नहीं है। जैसे कि आपको अभी बना के दिखाया, क्लियर लाइन्स हो, कोई भी उसमें रेखा ना काट रही हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हल्की हल्की रेखाएं अंदर आ रही हैं, और ऊपर से ये निशान की जो रेखाएं हैं ये भी लहरेदार हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, ये हमें कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। तो ये दोष मुक्त फिश का साइन नहीं है। अगर आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार है और आप अपेक्षा रख रहे हैं आपके इस फिश साइन से कि आपको कोई ये फायदा देगा, तो कृपया इस उम्मीद को ना रखें, क्योंकि फिश का साइन दोष मुक्त होना जरूरी है, जैसे कि आपको इस हाथ की फोटो में नजर आ रहा है। तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार ही है जैसे पहले थी, नीचे दो हिस्सों में डिवाइड होती है और नीचे जाके मिल भी जाती है, और एक क्लियर दोष मुक्त फिश का साइन हमें नज़र आता है, जिसके प्रभाव आपके जीवन में होंगे। और वो प्रभाव कौन से हैं, आइए वो जान लेते हैं। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, डिपेंड करता है आपके करियर पे ये फिश का साइन कैसे प्रभाव डालेगा। पर ये प्रभाव क्या डालता है, अचानक धन लाभ का योग बनाता है दोस्तों ये आपके जीवन में। बस अगर आप बिजनेस करते हैं तो 30 साल की उम्र से पहले ये योग बनने के चांस होते हैं, पर अगर आप जॉब करते हैं तो 30 साल की उम्र के बाद ये निशान आपके जीवन में योग बनाता है। बस आपको अपने करियर पे फोकस रखना है, और एक दिन जरूर आएगा जब आपको मौका मिलेगा अचानक धन लाभ कमाने का। अब आपको इस निशान की एग्जैक्ट शेप भी पता चल गई और फैक्ट भी पता चल गए, पर फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं इस निशान को पहचानने में। जैसे कि इस हाथ की फोटो में आप देख सकते हैं जो फिश का साइन है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पर ये फिश का साइन बन रहा है, पर किसी प्रकार से भी ये निशान कंप्लीट नहीं है, क्योंकि नीचे जाके जो ये दोनों रेखाएं हैं आपस में मिलनी जरूरी हैं, तभी फिश साइन की आकृति क्रिएट होती है। पर इस प्रकार से हमें कोई भी योग नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दो रेखाएं बिखरी हुई हैं नीचे जाके, तो ये फिश का साइन नहीं है, जैसे कि आप इस वाली हाथ की फोटो में भी देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इस हाथ में जो है फिश का साइन बन रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइफ लाइन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा डिवाइड तो होती है पर वो कुछ इस प्रकार से जाती है।
यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से फिश के साइन की आकृति नज़र नहीं आती है। फिश का साइन जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार बनता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं, पर ये वो निशान बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि आप इस हाथ की फ़ोटो में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो फिश का साइन है वो बन भी रहा है आपकी लाइफ लाइन पर और कंप्लीट है, दोष मुक्त है, एक हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल सटीक तरीके से बना हुआ फिश का साइन है, पर वो केतु पर्वत पे नहीं बल्कि चंद्र पर्वत की ओर बना हुआ है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपके हाथ में भी चंद्र पर्वत की ओर फिश का साइन बना हुआ है दोस्तों, और वो भी आपकी लाइफ लाइन के योगदान से, तो आपको विदेश से खूब सारा धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अभी भी आप अगर विदेश में हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो विदेश में आपको थोड़ा शुरुआती समय में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पर आपको अचानक धन वर्षा का योग जरूर मिलेगा। एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि अगर भाग्य रेखा के ऊपर बने फिश का साइन तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, भाग्य रेखा के ऊपर बनने वाले फिश साइन का वो प्रभाव नहीं रहता जो लाइफ लाइन के ऊपर बनने वाले का होता है। आपको फायदा जो अचानक धन लाभ का देगा वो लाइफ लाइन के साथ मिलकर बना हुआ फिश का साइन होता है। भाग्य रेखा के ऊपर बना हुआ फिश का साइन भी आपको फायदा देगा, पर वो आपको तरक्की में फायदा देता है। मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो अचानक ही तरक्की हो जाना, अचानक ही प्रमोशन हो जाना, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो अचानक ही आपको एक बड़ी डील मिल जाना या फिर बड़ी कामयाबी हासिल हो जाना। पर सोने पे सुहागा तब होता है दोस्तों जब ये दोनों रेखाएं मिलके बनाए फिश के साइन को, जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, जो लाइफ लाइन है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है, और ऊपर से भाग्य रेखा के योगदान से दूसरी रेखा इसमें से निकल रही है और एक फिश का साइन हमें नज़र आता है। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से फिश का साइन बना हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी हाँ, आपको जल्दी तरक्की मिलती है, औरों से कम समय में आपको बड़ी सफलता मिलती है, और अचानक धन लाभ तो अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार से दो रेखाओं के साथ मिलके बना हुआ फिश का साइन बहुत रेयर बनता है। और अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से निशान है तो जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, पर अगर आप बिजनेस में हैं या खुद का दम पे कोई भी कार्य करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द कम समय में एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। आपकी ही तरफ से एक और सवाल पूछा जाता है कि अगर फिश का साइन लाइफ लाइन के साथ ना हो, भाग्य रेखा के साथ ना हो, केतु पर्वत पे ना हो, चंद्र पर्वत पे ना हो, और ये हो आपके सूर्य पर्वत पे, तो इसका क्या प्रभाव रहता है? जैसे कि आप इस हाथ की फोटो में देख सकते हैं, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पे बनने वाला फिश का साइन अगर आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से है तो दोस्तों ये आपके गवर्नमेंट जॉब में एक बड़ी कामयाबी आपको दिलाता है। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी में बड़ी अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं तो इस प्रकार से अगर आपके सूर्य पर्वत पर निशान बना हुआ है तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। कोशिश करते रहिए। और इसी के साथ, अगर आपकी कोई स्किल है, आपका कोई टैलेंट है, तो उसे बाहर निकालिए, उसको थोड़ा निखारिए, उसके बारे में और तजुर्बा हासिल कीजिए, आपको उसमें भी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और इस हाथ में अगर आप ध्यान से देखें तो एक फिश का साइन यहाँ पर है और दूसरा फिश का साइन यहाँ पर है, और दो दो फिश के साइन एक हाथ में होना बहुत ही रेयर है दोस्तों। अगर आपके हाथ में है तो आप एक चमत्कारी किस्मत लेके पैदा हुए हैं दोस्तों। एक तो आपको अपनी मनचाही अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका, जो आपका सूर्य पर्वत पर बना हुआ फिश का साइन बनाता है। दूसरा, आपके जीवन में अचानक धन लाभ का मौका, जो आपकी लाइफ लाइन पर बन रहा फिश का साइन बनाता है। और इसी के साथ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाथ में फिश का साइन है पर फिर भी आपको इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपसे कुछ गलतियां हो रही हों, तो वो गलतियां कौन सी हैं और उनको सुधारने का तरीका क्या है, जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ हाथ की फोटोज जिनमें फिश का साइन अलग अलग तरीके से बन रहा है, और सभी को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस साइन के रिलेटेड। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्यूचर में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।